जींद में बेरोजगार से, पानीपत में प्यार से, सोनीपत में खूंखार से। तो दोस्तों देखिए, किसी चलते हुए मुसाफिर ने क्या खूब कहा दोस्तों, कि हो जिसे अपनी मंजिल की तलब, वो अपने पाँव के छाले नहीं देखते। तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक, मैं राहुल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल स्वामी ब्लॉग्स के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमारी वीडियो की कुछ क्लिप्स को देखा, और ये सारी वीडियो जो है वो हरियाणा के हर्ट कहलाने वाले जींद डिस्ट्रिक्ट की है। जी हाँ दोस्तों, जींद डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है जिसे रानी तालाब के नाम से जाना जाता है, और जिसे भूतेश्वर महाराज का मंदिर भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर जो है वो भोलेनाथ जी को समर्पित है, और आज शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस पर्यटक स्थल का लुत्फ जरूर लें। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव और दोस्तों को ज़रूर वीडियो को शेयर करें। देखिए वीडियो की कुछ झलक आपके सामने। ये देखिए तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया ही गया है कि आज हम आए हैं हरियाणा के हर्ट, मतलब कि जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये है जींद डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही अच्छा घूमने लायक स्थल, जिसे भूतेश्वर महाराज का मंदिर जो शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव की जहां प्रतिमा है, और इसका पुराना नाम रानी तालाब के नाम से भी है। जी हाँ दोस्तों, ये तालाब बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है, जहाँ साफ पानी भी है। और एक पुरानी कथा इसके बारे में ये भी है कि ये तालाब है जो वो राजा राजवीर ने अपनी रानी के स्नान के लिए बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है। हनुमान जी के हाथ में गदा और पहाड़ ले जाते हुए, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो
मैं आपको बता रहा था कि ये मंदिर जो है वो राजा राजवीर ने अपनी रानी के स्नान के लिए बनाया था। काफी, और यहाँ से इस गुफा सीधी वो महल के अंदर जाती थी, तो रानी यहाँ स्नान करके सीधी अपने महल के अंदर चली जाती थी ताकि कोई रानी को स्नान करने के बाद देख ना सके, इसलिए बनाया था। और ये पहले तो आपको दिखा देता हूँ व्यू में, ये देखिए दो भाई आनंद ले रहे हैं नाव का। आप भी कभी यहाँ घूमने आओ तो जरूर आनंद लें नाव चलाने का, अपने बच्चों को भी लेते हैं, खासकर जब शिवरात्रि है, क्योंकि शिवरात्रि के टाइम यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। और हम जिस गुफा की बात कर रहे थे शायद वो यही गुफा है। जी हाँ, यही वो गुफा है जो सीधा महल के अंदर जाती थी। बाकी कन्फर्म तो मुझे भी नहीं है, देखते हैं। ये देखिए बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ हर साल। हर साल यहाँ टोटल अगर मैं बात करूँ तो लाखों लोग घूमने के लिए आ जाते हैं पूरे साल के अंदर। ये देखिए पानी तो इतना साफ मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तक है कि अच्छा है। वो सामने तिरंगा लहरा रहा है साइड में, और भी आपको व्यू दिखाते हैं। लोग यहाँ घूमने भी आए हुए हैं, देखिए भाई साहब बैठे हैं एक। और ये यहाँ का मेन गेट, जी हाँ लगता है कि द्वार बंद है मेन गेट का, ताकि हम गलत टाइम पे आए हैं। चलो कोई नहीं, अंदर तक तो दोबारा फिर कभी आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर का व्यू है वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, थोड़ा पानी गंदा भी है यहाँ, मतलब पूरी तरीके से साफ नहीं है। ये देखिए मेरे ख्याल से नगर पालिका के अंडर आता है, तो सरकारी कामों में तो आपको पता ही है फिर कितना ढील होती है, कितना काम सही होता है। और ये एक और प्रतिमा अभय शंकर भगवान की, ये स्कूल है इसके पीछे, बच्चों की चहचहाट आ रही है स्कूल से। क्या लगता है मतलब इतना अच्छा नजारा हो क्लास के बाहर तो बच्चे पढ़ेंगे या नजारा देखेंगे है ना। और ये नाव हम पूरा आपको व्यू दिखा के नाव का नजारा भी लेंगे, और वो हमारा तिरंगा लहरा रहा है।
देश की आन बान शान है ना। और वो दो पर्यटक और ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है, जिंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ऐसी जगह आप भी घूमिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए घुमाइए, ठीक है। और दुर्भाग्यवश मंदिर का जो गेट है वो अभी खुला नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो लगभग 3 बजे होंगे, तो लगता है शाम को ही द्वार, मंदिर के द्वार है वो शाम को ही खोलते हैं। तो फिर कभी आपको यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे अंदर का, तो लेकिन फिलहाल बाहर का ही आपको दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम नाव वाले भाई साहब से पूछते हैं कि क्या कुछ किराया है नाव का, अगर तो फिर लेते हैं नज़र। तो दोस्तों ये नाव है और ये भाई साहब हैं नाव वाले, यही संभालते हैं यहाँ का। और सिर्फ 50 रुपये टिकट है, बैठ जाऊं भाई के। ये देखिए भाई साहब, और ये नाव की होगी कटाई अपनी, और अभी चलेंगे भाई। ये देखो भाई ये हैंडल है नाव का, दूसरी बार अनुभव नाव का बहुत शानदार। ये देखिए भाई साहब, मतलब पुल, ये देखिए दोस्तों, मतलब नाव चलाने का एक्सपीरियंस भी एक अलग ही होता है। ये देखो भाई, ये मंदिर, मंदिर का जो मेन द्वार था वो तो बंद था, लेकिन नाव के जरिए आपको दिखा देता हूँ कि पास से की कैसा है। ये हैंडल चलता है, ये लो भाई अच्छा नजारा। और वो सामने लगा हुआ है तिरंगा, ये तो भाई साहब एक ही काम होता है, या तो नाव से हैंडल पकड़ लो या वीडियो बना लो। ये देखो भाई साहब, तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। आप भी कभी जींद आओ तो जरूर घूमिएगा यहाँ। ये देखिए पीछे मंदिर का व्यू,
पहले मेरे को पता होता तो मैं अकेला नहीं आता भाई यहाँ पे। सही में मिस कर रहा हूँ मैं तो, काश एक कोई और होता तो। बैग ने ले रखी है जगह ना, देखिए व्यू। एक्सपीरियंस जिंदगी का ये गैर। अब सोचो ये कि बंदा बार बार गैर क्यों दिखा रहा है। मतलब नाव चलाने का भी अलग ही मजा है। सही है। और वो पीछे आपको दिख ही रहा है, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। और ये इसके नीचे से होती हुई नाव। अरे भाई साहब, बड़ा ही अच्छा नजारा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में बता दूं कि मंदिर जो है वो राजा राजवीर जो जींद के शासक थे, उन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया था। और जो राजमहल था, राजमहल से सीधा एक गुफा आती थी और उस गुफा से होते हुए रानी जब भी स्नान करने आती थी तो गुफा से होते हुए आती। और उसका कारण ये था कि राजा जो राजवीर जी थे, उनका मानना था कि यार मतलब रानी को देखने के मतलब नहाने के बाद सबसे पहले मैं देखूं, कोई और ना देखे, इसलिए उन्होंने स्पेशल ये तालाब बनवाया था। और ये पीछे मंदिर है, ये भूतेश्वर महाराज यानी कि भोलेनाथ का मंदिर है और भोलेनाथ की पूजा की जाती है यहाँ पे। और मंदिर में भोलेनाथ की बहुत अच्छी प्रतिमा लगी हुई है, शिवलिंग भी लगा हुआ है बहुत अच्छा। वैसे तो यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप शिवरात्रि के दिन आते हो तो यहाँ बहुत ही शानदार मेला लगता है भाई साहब। कि इतना अच्छा मेला लगता है कि पूछो ही मत, है ना। तो आप भी आइए, अपने फैमिली को भी लेके आइए, अपने बच्चों को भी लेके आइए, और बच्चों को ये लाओ जरूर, हाँ नाव में जरूर बैठाइए यार बच्चों को। मैं कहता हूँ आने के बाद ना बच्चे मतलब पूरी जिंदगी याद रखेंगे ये सफर, कभी नहीं भूलेंगे भाई। क्योंकि शायद ही कोई बच्चा मतलब यहाँ लोकल कोई है आसपास से तो उसका भी। हाँ जी भाई साहब, हाँ हाँ मैं भी आऊँ तेरा पास सर, एक क्या मोड़ी गड्डी बनाए। ये दो भाई हैं और ये कह रहे हैं कि भाई पुल के नीचे से भी गाड़ी जा सकती है क्या, ये नाव क्या जा सकती है भाई साहब। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार। तो ये एक भाई साहब और आ चुके हैं अपने पास, नाव में बैठे दो भाई हैं। कहाँ से हो भाई साहब आप? नरवाने से हो? क्या नाम है? अच्छा पहली बार आए हो? पहले भी? नहीं पहली बार ही आए हैं। अच्छा जी, मैं भी पहली बार आया हूँ। और अपना क्या नाम भाई? अतुल। अतुल क्या करते हो आप भाई? पटा आज पे तो
पढ़ते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? नाव में बैठना? नाव में बैठना ही रखे भाई। पहले भी बैठे हो कभी नाव में? ना भाई, पहले को नहीं बैठे, जो जिंदगी में पहली बार ही बैठे हैं। तो कैसा रहा अनुभव? अनुभव जमा पूरा बढ़िया, मजे आ गए ना? मजे आ रहे हैं। चलो ठीक है भाई, तो वीडियो डाल दें आपकी यूट्यूब पे? ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको बताता हूँ अपना चैनल। तो भाई एक भाई और मिले हैं अपने को यहाँ पे, तो क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब है सुनील कुमार नाम। कहाँ से हो आप? मैं दिन से। और आप भाई साहब? मेरा नहीं लगा ही। मैं सब कर रहा। अब ये दो भाई और हैं। कहाँ से हो भाई साहब आप? क्या क्या नाम है? पहली बार आए हो कई बार आए? और कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? थोड़ी बात बताऊंगा, छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं। अगर जींद में बेरोजगार से, पानीपत में प्यार से, सोनीपत में खूंखार से, और रोहतक में बीमार से। हरियाणा में इन जिले का पूरा नाम से भाई, फिर बात करेंगे। इन तो हमने भी काम से नजारे ले दिया भाई, गति एक नंबर का भाई। क्या नाम बताया भाई ने? भाई मेरा नाम सुनील कुमार दोस्त। सुनील कुमार नाम है अपना भाई का। भाई कसुत्ती शायरी मारा है वो भाई भी। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू, वेलकम। होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी का नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।